इस समय मैं जहाँ हूँ वो गया से करीब 28 किलोमीटर दूर एक केनार गांव है। यह वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस गांव में पहले करीब 50 घर जो थे वो अपने गृह उद्योग से जुड़े हुए थे, और ये लोग, ये जो आप मेरे हाथ में बर्तन देख रहे हैं, यह हर घर में बनता था, और यहाँ से ये लोग स्थानीय बाजार और बिहार के अलग अलग हिस्सों में भेजा करते थे। लेकिन आज अब यही स्थिति हो गई है कि यह कारोबार भी 4-5 घरों तक सिमट कर रह गया है। इसके कारण यहाँ के लोग जो कल तक कारीगर कहलाते थे आज मजदूर हो चुके हैं। अब आगे हम यहीं के लोगों से जानेंगे संकट इनके सामने कैसे पैदा हुआ। और क्या नाम हो चुका है? हमारा नाम राजमोहन साहब कसेरा। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र 60 साल। ये कौन सा गांव है? करार चट्टी। कौन किस विधानसभा पड़ता है? वजीरगंज विधानसभा। वजीरगंज विधानसभा। अच्छा, आप लोग जो ये काम, कौन सा काम, आपका गांव किस काम के लिए प्रसिद्ध रहा है? केनार गांव बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। यहाँ कांसे का थाली, पीतल का थाली वगैरह पहले हाथों से बनाया जाता। अच्छा, अब जो है पूंजी का भाव से। तो आप जब आप लोग बचपन से ये देखते थे कि बताता था? जी हाँ। कितने घर में ये आश्रित था? इसके करीब 50 घर बनता था। 50 घर बनता था। तो ये आप ही लोग इरादी काम करती है? हाँ, इसमें हम लोग भी है। हाँ। और कुछ लोग गांव के लोग हैं तो रहते रहते सीख लिया। हाँ हाँ। जैसे चौधरी लोग है। हाँ। और गैर गैर कास्ट के लोग है, रहते रहते बगल में है, सीख गया तो करते थे। हाँ हाँ। लेकिन जब हम ही लोग कारोबार खत्म हो गया पूंजी के अभाव में, और अब जो है आधुनिक मशीन निकल गया। अच्छा, तो आप लोग कौन सी बिरादरी के हैं? हम लोग कसेरा। कसेरा है, ये अत्यंत पिछड़ा में आते हैं। जी हाँ। तो ये जो धंधा था आप लोगों का, जब करते थे, जब ठीक ठाक स्थिति में था, 50 घर से जुड़े हुए थे, ये किस समय की बात है? आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले। अब बना के फिर आप लोग हाथ से बनाते थे, और कहाँ ले जाते थे बाजार? यहाँ पर गया, नवादा। हाँ। बिहार से बहुत से व्यापारी लोग आते थे यहाँ पर, गांव में आते थे। गांव में आते थे। हाँ। और यहाँ से माल लेकर जाते थे, उधर से पुराना माल लेकर के आते थे, उसे हम लोग गला करके, रिपेयरिंग करके, बना करके उसे फिर दे देते हैं। हाँ। और उसका जो हम लोग का प्लस मजदूरी है वो मजदूरी मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आज के डेट में, जैसे आपने बताया कि 20 साल पहले 50 घरों में था, तो आज इस गांव में कितनी आबादी ये काम कर रही है, कितना घर है जो यही काम में लगे हुए? यहाँ तो करीब बहुत कम गया, 2-4 घर वो भी लगन के हिसाब से बनता है। और तो फिर तो आप लोग और भी काम तो दूसरा करते होंगे घर चलाने के लिए? घर चलाने कुछ लोग फेरी करता है, कुछ लोग बाहर चले गए, जो काम जो अपना है वो काम दूसरे जगह करने के लिए चले गए। बाहर का आदमी बुला लिया, वहाँ कारीगर बैठा हुआ है, चलो भाई हमारे किरा देता। अच्छा, तो आप लोग अब ये बताइए कि ये आपका जो काम था, ये काम कैसे धीरे धीरे खत्म हो गया इस गांव में? खत्म हो गया धीरे धीरे, मशीन निकल गया उसका, जैसे कि चापने का मशीन। हाँ। जैसे पत्तल वगैरह चपाता है प्रेस में। हाँ, हाँ। उस तरह से बन गया। हाँ। तो बड़े बड़े पार्टी लोग जो थे उन लोग उसके पास बहुत सा पूंजी वगैरह सब किया है, तो अपना बैठा करके बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद स्टील निकल गया, अल्मीनियम निकल गया, उसके सामने कांसा पीतल का मांग बहुत कम हुआ। इस वजह से हम लोग का फिर व्यापारी बाहर से आना बंद हो गया, और इसके बाद इसे धीरे धीरे लुप्त होते गया। सरकार से कोई मतलब मदद वगैरह को बचाने के लिए कुछ? हमारा उम्र 60 साल हो रहा है, लेकिन जब से मैं होश संभाल रहा हूँ तब से सरकार की तरफ से एक पैसा किसी को नहीं मिला।
इस काम के लिए नहीं मिला, झंडे के लिए नहीं मिला। बाकी और सरकारी योजनाएं आपके गांव में आई है? कोई फायदा हम लोग का नहीं है। कौन कौन सा आया है? हाँ तो बहुत सारे, जैसे कि स्कूल बनाने के लिए है, नली बनाने के लिए है, ये तो यहाँ के जो मुखिया है वही जान सकते हैं इसमें, लेकिन कोई आज तक मदद नहीं हुआ। आप लोग कभी सरकार के पास कुछ ऐसा विधायक विधायक आते होंगे तो बोले नहीं कुछ हम लोग को मदद कर दीजिए? बहुत से विधायक आए, ऐसे फोटो भी ले गए, सब चीज करके गए, सब आश्वासन सिर्फ देते गए कि ठीक है हम आ करके आप लोग का उद्योग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कह करके चले गए, फिर लौट के नहीं आए। इससे हम लोग का आशा टूट गया, और आशा टूट कर गया तो इसके बाद फिर हम लोग अपना दूसरा रोजगार बिजनेस आखिर पेट चलाना नहीं है, इसके चलते दूसरा रोजगार करना शुरू कर दिए। ये जो है पहले मतलब आप लोग कारीगर थे, ये इसके कारण आप लोग का मजदूर हो गए हैं, पहले हुनर था अपने आप का, मजदूरी करने के लिए मजबूर है आप। तो आप लोगों को क्या मदद मिल जाती तो ये फिर से ठीक हो जाता है ये आप लोग का काम? मदद तो अगर सरकार देना चाहती है तो पहले उसके लिए एक प्लांट बनाना पड़ेगा, प्लांट बनाने के लिए एक मशीन होता है बेलन मशीन, उसमें कम से कम करोड़ रुपया खर्च, अगर वो चीज मिल जाती है, मिल जाता है हम लोग पे, यहाँ जो हम लोग 50 घर जो पहले से बना रहे थे फिर उसका उत्थान हो जाएगा। ये जो है इसमें कैसे करते हैं, ये क्या है? ये खराब मशीन है। हाँ खाली इसको हम लोग अपने हाथों से हाँ बनाते हैं, गड्ढा करते हैं झिका करके, और उसको चिकना करके उसमें खराद होता है। पहले हाथ पर होता था, हाथ से भी जैसे लकड़ी का पौवा पाटी लोग कैसे भी करते हैं खराद, उसी तरह से पहले होता था हाथों से। जब मशीन जो आ गया, इस मशीन में कम पूंजी लगता है तो हम लोग बैठा लिए, और वो जो बड़ा इसका चदरा तैयार करने के लिए उसमें करोड़ रुपया का जरूरत पड़ता है, था नवादा में था लेकिन वहाँ से भी वो खत्म। अब इसका मशीन पटना जिला में पड़ता है प्रयोग गाँव, वहाँ पर है एक तो वैशाली जिला में है महुआ थाना में, और उसके बाद इधर झारखंड में है, तीन जगह है। अब जहाँ जहाँ मशीन है वहाँ वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, परंतु बाहर से जो रोजगार खत्म हो गया हाथों का वो सब कुछ लोग वही चले गए, हम भी वही चले गए। आप भी बाहर रहते हैं? हाँ क्या करें, यहाँ कुछ है नहीं। कहाँ रहते आप करते हैं? पटना जिला प्रयोग गाँव में बिल्टा थाना। अभी मतलब लॉकडाउन में लौट के आ गए? हाँ लॉकडाउन में आ गए हैं घर। हाँ उसके बाद एक दो महीना के बाद अब जाएंगे, मालिक का बुलाहट आ गया है जाएंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, कितना उम्र है आपका? 70 साल। क्या बता रहे थे आप बताइए? बताना है कि चदरा हम लोग के यहाँ कहीं आता है बंद करके, हम लोग के हम कटिंग करके बनाते हैं, फिनिशिंग कर करके बेचते हैं। आप तो ये इसमें जो पूंजी लगता है, वो पैसा लग रहा है, वो जो बना रहे हैं तो वो कहाँ ले जाते हैं? यही लोकल बाजार में? लोकल है, गया है, नवादा है, बिहार है। तो मुनाफा हो रहा है, मतलब निकल जा रहा है पूंजी? अच्छा खाने पीने भी निकलेगा अंदर, खाने पीने का निकल जाता है। आप क्या उसमें? अच्छा और क्या क्या दिक्कत है आप लोगों की तरफ? दिक्कत वही जो बता रहा है, पूंजी नहीं है, मशीन नहीं है, ये सब दिक्कत है। और क्या इस काम को छोड़ के और कुछ? इस काम छोड़ कर गाँव गाँव में कुछ इलाके में भी दिक्कत हो? इलाके में क्या दिक्कत है हमको? क्या रहते हैं ना गांव में? गांव में तो यहाँ सब लोग है, दूसरे जाति के हम लोग, उसको खेती वेती करता है और दर दुकान किए हुए है, बहुत सा काम करता है। तो आप भी अपने घर में ये काम कर रहे हैं अभी ना? होता है नगर में होता है, बंद हो जाता है। हम लोग का ये पेशा खाली बनाना शुरू करो।
क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, तो आप भी इस काम से जुड़े हुए, आपका परिवार भी जुड़ा हुआ इस काम से, बर्तन वाले काम से। तो आप ये बताइए कि ये मतलब यहाँ बिजली आती है आप लोगों के घर? बिजली आती है, एक नल जल योजना का बात चल रहा है, वो कब आया नल? पंद्रह दिन हो गया। अच्छा, तो बाल बच्चा आप लोगों का कहाँ बाहर कमाते हैं? सबको पढ़ा सबको पढ़ा। शौचालय मिला है घर? इंदिरावास? इंदिरावास नहीं मिला है, शौचालय लेकिन मिला है। और क्या क्या मतलब आप लोगों को दिक्कत महसूस होता है? दिक्कत नहीं, क्या वही हम लोग का रोजी रोजगार नहीं रहने से लोग यहाँ पर ही फसल करता है, अपना पेट चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई सड़क गिरा रहा है, कोई फेरी जा रहा है, पैसा सब कर रहे। पहले जब घर में काम होता था तो आप लोग भी इसमें लगे हुए थे, आप लोग भी करते रहते थे, मदद करते। तो पूंजी नहीं हम लोग का, उतना पैसे भी नहीं है, तो कहाँ से सब करेंगे हम लोग? पैसा रहने के कारण इन लोग बिजनेस बढ़ सकता था, लेकिन पैसा नहीं है तो बिजनेस कम नहीं करेगा। आप वोट देती है? वोट तो देते हैं, किसी कहने को देते हैं अपने मंजूर, वो पर्ची पहुंचा देता होगा ना व्हाट्सएप, लेकिन किसको वोट देना है ये कैसे सोचते हैं? कैसे सोचते हैं, हम लोग को नहीं आता कि जो जो हम लोग को मदद करेगा उसी को वोट मिलेगा। हम तो यही बात पहले भी बोले थे, जैसे भी मोदी सरकार ने ये तो कुछ मदद किया है, पहले के नारगाम में बोल बिजली नहीं था, हम लोग का उतने पर भी नहीं था, हम लोग का आने पर यहाँ बोल बिजली हो गया। अच्छा अच्छा, तो आप इस गांव में कब आए थे? शादी होके आए होंगे ना? हम लोग का शादी वाला तो हो गया करीब 25 साल हो गए। अच्छा, और अब आया है बिजली? पाँच साल मोदी सरकार के टाइम में आया। अच्छा, और कौन कौन सरकार क्या क्या दिया है? और कौन सरकार क्या दिया सर हम लोग का नहीं है। नीतीश कुमार का नाम सुने हैं? नीतीश कुमार मोदी सरकार का तो आदमी। लालू यादव का नाम सुना? लालू यादव कुछ नहीं दिया, और उसका बेटा आया वो बोला है कि हम नौकरी देंगे इस बार, कर्जा था। कहाँ दिया? हम लोग का बेटा तो बाहर में पढ़ता था, कोई पटना में पढ़ रहा है, कोई गया में पढ़ रहा है, कहाँ कुछ किया? लेकिन वो बोला है कि उसको जिता देंगे, उसका सरकार बन जाएगा तो नौकरी देगा। ठीक है, जिता देगा, जिता देंगे तो हम लोग का कुछ करेगा तभी ना हम जिता देंगे। अगर पहले करेगा तब आप? हम लोग पहले वोट देंगे, जीतेगा अगर कुछ किया तब फिर 1 साल का बाद तो उसी का वोट मिलेगा, नहीं किए करेगा तो हम लोग। तो अभी आप लोग क्या सोचे किसको वोट किधर सोचे? हम लोग का भी वीरेंद्र सिंह को वोट दिए। कौन पार्टी से है? नहीं, वो वीरेंद्र सिंह कौन पार्टी से है? कौन निशान का है? निशान तो नहीं दिखाया, निशान नहीं पता है आपको? जाके जो बटन दबाएंगी तो आपको निशान कैसे पता? पर्ची मिलेगा, पर्ची मिलेगा, उसमें पता चल जाएगा कौन निशान पे। कमल छाप बोला था। ठीक है, क्या नाम है बताओ? पंकज। पंकज कुमार, कितना उम्र है? 25 साल। 25 साल, क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी को पढ़ाई? ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड में, बीएड का एग्जाम दिए हैं। 96 में बनाया। तुम जब स्कूल करते थे तो कितना किलोमीटर दूर जाना पड़ता था? जब स्कूल करते थे तो स्कूल, हाँ स्कूल में पढ़ते हो ना, हाई स्कूल में मैट्रिक वगैरह, कितने दूर स्कूल करते जाते थे? 1.5 किलोमीटर। अच्छा, और कॉलेज तुम्हारा कितना दूर है? 5 किलोमीटर। तो ये स्कूल जो है कब बना है? 1.5 किलोमीटर दूर है, पुराना स्कूल है, 1.5 किलोमीटर दूर है। कॉलेज भी बगल में ही है। आसपास अस्पताल वगैरह है? 5 किलोमीटर दूर है। सरकारी अस्पताल, वहाँ इलाज उलाज होता है? सब सुविधा है। हाँ, अब क्या कहना चाहते हैं बताओ तुम? यहाँ पे जो भी व्यक्ति मतलब बताए कि पूंजी का सबसे बड़ा चीज है पूंजी का अभाव। हम लोग जिस समाज से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जिस समाज से आते हैं? कसेरा समाज। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, जो जिसमें 10 लाख का लोन दिया जाता, 5 लाख का माफ है,
लेकिन सिर्फ उसी के लिए है जो एससी एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तुम लोग भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं? नहीं नहीं, हम लोग जिस समाज से आते हैं वो पिछड़ा वर्ग में। अच्छा, अगर हम लोग भी अत्यंत पिछड़ा में आते तो हम लोग को भी 10 लाख का लोन मिलता। हाँ। तो पूंजी का जो समस्या है वो दूर हो जाती, यही सबसे बड़ा मतलब हम बोलना चाह रहे। तो हमारा परिवार भी इसी काम में लगा हुआ है? नहीं। अच्छा, पहले करते थे बहुत पहले। अच्छा, अब घर के लोग क्या करते हैं? अब घर के लोग फेरी करते हैं, जितना भी मतलब जो भी इस काम से पहले लगे हुए थे अब सब अधिकांश फेरी करते हैं। इस गांव के लोग जो है बाहर भी जाते हैं, हरियाणा पंजाब कमाने जाते हैं जी। अभी सब लॉकडाउन में लौट गया? लॉकडाउन में लौट गए हैं। और सबों को मतलब जैसे अभी नीतीश कुमार जी के द्वारा भवन निर्माण, स्कूल वाला भवन निर्माण ज्यादातर दिया गया है। हाँ। तो सभी को अधिकांशतः मतलब 100 में से करीब 70% को रोजगार मिल गया उसमें, भवन निर्माण में, लॉकडाउन में जी। लॉकडाउन में चाहे मनरेगा से मिले या फिर भवन निर्माण में मिले। अच्छा, सरकार से क्या करना, क्या तुम लोग मिल जाए तो ठीक हो जाए, तुम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बाहर नहीं जाना चाहते हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाहर क्यों जाए, जब यहीं पे रोजगार सबको मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाए? हाँ, तो क्या लगता है क्या करते सरकार की? यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योग जैसे पापड़ उद्योग हो गए। हाँ। पापड़ उद्योग हो गए, फिर अगरबत्ती उद्योग हो गए, फिर और छोटे छोटे चूड़ी उद्योग हो गए, मतलब जितना भी लघु उद्योग है अगर सबको सही तरीके से अगर हर एक गांव में अगर लगा दिया जाए तो कोई भी लोग बाहर नहीं जाएंगे और अपने आत्मनिर्भर होकर के यहाँ यहीं पे रोजगार मिलेगा सबको। मतलब है कि बड़े बड़े फैक्ट्री खोलने से ही नहीं होगा, अगर छोटे छोटे काम भी कर दे तो पलायन रुक जाएगा। पलायन जी। अच्छा, तो तुम जो है तो वोट कितनी बार दे चुके? एक एमपी का दिए थे। हाँ, एक विधानसभा। हाँ जी, विधानसभा, एक पंचायत इलेक्शन भी दिए। तो तुम अपना जो 4 से 5 बार दिए, तुम युवा वोटर हो जी। अपना देश युवाओं का देश जी, है। जी, जी। तो तुम जो है वोट देना है जी, किस आधार पे, किसको वोट देना है, किस आधार पर फैसला करते हैं? हम तो विकास के आधार पे फैसला करते हैं कि विकास जो मतलब जो सरकार जिसने विकास किया है आज से कई वर्ष पहले, आज से 15 साल पहले अगर देखा जाए तो कोई भी 7 बजे के पहले कोई बाहर नहीं निकलता, सबका दरवाजा बंद हो जाता था। अच्छा। इतना भयानक डर रहता था कि लोग काले झंडे स्कूल में फहराते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज कभी भी अगर काला झंडा कहे फहराते सुनते थे ऐसा कि काला झंडा ये वो फहरा दिया ऐसे वैसे। अच्छा, मतलब अपराध का बोलबाला था, इधर नक्सली वगैरह भी था क्या? अपराध का बोलबाला था कहा जाए एक तरह से। और गया से लोग जब 7 बज जाता था तो लोग आने से डरते थे, लेकिन आज 7 या 8 या 9 बजे भी लोग चले जाते हैं। तो ये बताओ गया से यहाँ कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, उस समय लोग डरते थे, अब आराम से जब मन होता आ जाते हैं। अच्छा, ये हुआ है एक विकास, और क्या क्या विकास? बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है, वही मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चलाई गई है। पहले क्या होता था कि पहले वैसा पेंशन मिलता था सबको जो बीपीएल के अंतर्गत आते थे, लेकिन उनके द्वारा एक ऐसा पेंशन चलाया गया जो सबको मिलता, जिनका उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक हो। इस गांव में सारे बुजुर्गों को इसका फायदा मिल रहा है? हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते, यहीं पे एक बुजुर्ग है उनसे पूछ लेंगे। तो पूछ लेंगे, सबको पता है ये मिलता है जी? जी, सबको मिल रहा है तुम्हारे गाँव में जी? कल पता करने की कोशिश की सबको मिल रहा है जी? जी, बिल्कुल अच्छी है जी।